नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मुंबई सिटी एफसी की टीम को, उनके कोच को, पूरी टीम को और मुंबई सिटी एफसी के फैंस को भैया बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस आईएसएल का खिताब अपने नाम करने के लिए। फाइनल्स पे मोहन बगान की एक स्ट्रॉन्ग टीम को उन्हीं के होम ग्राउंड पर हराने के लिए, जहां पर भैया हर टीम के लिए मोहन बगान को हराना मुश्किल हो रहा था। ये जो 50-60 हज़ार फैंस थे ना, ये भैया पूरी मोहन बगान की टीम की ताकत थे। लेकिन आज उन्हीं के सामने भैया मुंबई सिटी ने फाइनल को अपने नाम किया, जहां भी थोड़े दिनों पहले उन्होंने लीग की शील्ड को गवाया था। और अगर इस चीज के चलते मोहन बगान के फैंस अपनी इस टीम के परफॉर्मेंस से आज नाराज होंगे ना, तो भाई देखो थोड़ा सा होना बनता भी है, क्योंकि टीम से जिस तरीके की परफॉर्मेंस, जिस तरीके की इंटेंसिटी और जिस तरीके की एनर्जी की उम्मीद करी जा रही थी ना इस फाइनल के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं गायब थी आज। और टीम ने इसी चीज के चलते जो उनके पास एक मौका था ट्रेबल अपने नाम करने का, तीनों खिताब एक ही साल के अंदर अपने नाम करने का, वो कहीं ना कहीं मोहन बगान की टीम ने गवाया है और इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। तो सबसे पहले मैच के ओवरव्यू और स्टैट्स के ऊपर नजर डालें ना, तो भैया देखो मैच का हाल कुछ ऐसा था। फर्स्ट हाफ के अंदर जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी ना दोनों टीम्स की, कहीं ना कहीं पहले हाफ के अंदर भी मुंबई सिटी काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही थी मोहन बगान की टीम को। लेकिन इतना डोमिनेट करने के बावजूद भी आखिरी के 45 मिनट जैसे नजदीक आ रहे थे, मोहन बगान की टीम ने भैया गोल स्कोर किया। जेसन कमिंग्स ने जिस तरीके के अपने गोल करने के लिए ज्यादातर जाने जाते हैं, टैप इन के चलते उन्होंने मोहन बगान की टीम को लीड दिलाई 1-0 से। उसके बाद भैया जो कहानी हुई सेकंड हाफ के अंदर सबको पता है, मतलब काफी ज्यादा डिफेंसिव एरर्स देखने को मिले इस मोहन बगान की टीम से। और इसी चीज के चलते मुंबई सिटी ने अपनी उसी परफॉर्मेंस को बरकरार रखा, अपने मौकों का इंतजार किया और अच्छे खासे जो मौके उन्होंने बनाए उनको कन्वर्ट भी किया। मतलब मौके तो भैया देखो हर टीम बनाती है, लेकिन आपका डिफेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और आज उसी चीज के अंदर मोहन बगान की टीम कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीकी नजर आई, और इसी चीज का मुंबई सिटी ने फायदा उठाते हुए 3 गोल मार दिए मोहन बगान की टीम के ऊपर। और अगर आप अपने सामने स्टैट्स भी देख रहे हो, तो भैया स्टैट्स के अंदर ही कहीं ना कहीं कहानी सबको पता चल रही है फाइनल की, जहां मोहन बगान की टीम ने 8 शॉट लिए जिसमें से 4 ऑन टारगेट थे, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई सिटी एफसी की टीम ने भैया 20 शॉट मारे जिसमें से 4 ऑन टारगेट थे, लेकिन उन्होंने 3 गोल कन्वर्ट किए उसमें से। इवन पोसेशन के ऊपर भी आप नजर डालोगे ना, तो भाई 58% पोसेशन था मुंबई सिटी के पास पूरे मैच के अंदर, जिसमें से 80% पास एक्यूरेसी है पूरी टीम की। वही मोहन बगान की अगर आप पासिंग एक्यूरेसी के ऊपर नजर डालोगे तो 69%। तो भाई जिस तरीके की मोहन बगान की टीम है ना, तो और इतना ओवर ज़्यादा डिफेंसिव खेल रहे थे वो फाइनल के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं, मतलब मैं ऐसा कह लूँ भाई, टैक्टिक्स के अंदर कोई गड़बड़ी हो गई या टीम के अंदर एनर्जी नहीं थी, तो कुछ तो आज गड़बड़ हुई इस फाइनल के अंदर। और इसी चीज़ के चलते मुंबई सिटी ने फाइनल को 3-1 से अपने नाम किया, कि भाई मोहन बगान के अंदर इतने स्टार खिलाड़ी है, इतने अटैकिंग माइंडसेट वाले खिलाड़ी है, लेकिन टीम फिर भी उसके बावजूद थोड़ा सा काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। अपने ही होम ग्राउंड के अंदर टीम अटैक पर ज़्यादा ना जाके अपने मौकों का इंतजार कर रही थी, तो यहाँ कहीं ना कहीं टीम ने थोड़ी सी गलती करी। अगर मे बी टीम थोड़ा सा अटैक पर चढ़ के खेलती, तो कहीं ना कहीं इस मुंबई सिटी एफसी की टीम को मोहन बगान रोक सकती थी। क्योंकि भाई जो मैं डिफेंसिव एरर्स की बात कर रहा था ना, अगर उसके बारे में मैं थोड़ा सा सही से बात करूँ ना अभी, तो भाई जैसा कि आपने फर्स्ट हाफ के अंदर भी देखा था, हेक्टर ह्यूस्टे के ऊपर एक हैंडबॉल हुई थी जिसको रेफरी ने नज़रअंदाज किया था, क्लियर हैंडबॉल था वो। अब भाई रेफरी को पता नहीं क्या दिखा। खैर उस चीज़ के अलावा भाई जो मतलब पहला गोल मारा मुंबई सिटी एफसी की टीम ने, जो जॉर्ज परेरा डियाज ने मारा, भाई 3 डिफेंडर्स के बीच में से निकल कर गए थे वो, उनको वहाँ से बॉल मिली और इवन कोई डिफेंडर उनको रोक नहीं पाया। अगर रोकने की कोशिश करी तो भाई उन्होंने सीधा कटाकर बॉल गोल मार दी। चलिए पहला गोल तो खैर फिर भी समझ आता है, इस तरीके के गोल भैया देखो होते रहते हैं और हमने काफ़ी देखे भी हैं। लेकिन जो भैया सेकंड गोल था ना, ये थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर हो गया, कि भैया जिस तरीके का डिफेंस वहाँ पर मोहन बगान का देखने को मिला ना, भाई जैसे ही बॉल अपने बॉक्स के अंदर वहाँ पर याकूब के पास जाती है मुंबई सिटी के, जितने वहाँ पर 4 से 5 डिफेंडर मौजूद थे ना, भाई सारे बॉल को देखते ही याकूब की तरफ भाग पड़े और याकूब ने बोला भैया यही चीज़ तो मैं चाह रहा था। 4 के 5 डिफेंडर सारे उनकी तरफ गए और पीछे बिपिन सिंह वहां पर भैया खाली खड़े हुए थे बिल्कुल गोल के सामने। उन्होंने बिपिन सिंह को पास करी और बिपिन सिंह ने कहा लो भैया मैं लीड दिलवाता हूँ 2-1 से मुंबई सिटी को। इसी चीज से चलते उन्होंने आगे किया, क्योंकि इस टाइप की गलती भैया मोहन बगान के डिफेंस से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि जिस टाइप का ये एरर था ना भाई, चारों पांचों खिलाड़ी एक ही खिलाड़ी की तरफ भाग पड़े, पीछे बिपिन सिंह को खाली छोड़ दिया, किसी ने उनको मैन मार्क करके नहीं रखा था। और इसी चीज के चलते याकूब ने भैया बिपिन सिंह को पास दिया और फिर उसके बाद हमें गोल देखने को मिला। भाई दूसरा भी ठीक है,
तीसरा गोल जो हुआ भाई, वहां तो ऐसा लग रहा था कि टीम ने उम्मीद ही छोड़ दी है, टीम के डिफेंस लाइन ने पूरी उम्मीद ही अपनी खत्म कर दी है भाई। तो मतलब एक गोल से तुम पीछे चल रहे हो, लास्ट के 2 या 3 मिनट बचे हैं, तुम्हारे से टीम को भी ये उम्मीद है कि भाई किसी तरह तुमने तीसरा गोल नहीं होने देना ताकि अटैकर्स अपनी जान लगा सके गोल मारने में। और वहां पर डिफेंडर्स ने क्या किया भाई, कोई मतलब किसी के अंदर से ऐसी इच्छा ही नहीं दिखी, एनर्जी ही या फिर इंटेंसिटी ही नहीं दिखी कि वो बॉल को एक्चुअल में रोकना चाह रहा हो भाई। मतलब 2 डिफेंडर थे मोहन बगान के बॉक्स के अंदर और 4 मुंबई सिटी के फॉरवर्ड के खिलाड़ी थे, मतलब डिफेंडर इतने नहीं थे जितने मुंबई सिटी के अटैकर्स थे। और इवन मुंबई सिटी की टीम भाई लीड में चल रही थी, यहाँ से आप समझ सकते हो कि किस तरीके की मेंटेलिटी थी दोनों टीमों की, किस तरीके की एनर्जी थी और किस तरीके की इंटेंसिटी थी। इनके अलावा भाई देखो थोड़ा सा एप्रिसिएशन अपुइया का बनता है भाई, जिस तरीके की परफॉर्मेंस अपुइया की पूरे मैच के अंदर थी ना भाई, मिडफील्ड से गेम आगे भी चला रहे थे, डिफेंस में मदद करने भी आ रहे थे भैया। अपुइया जैसा खिलाड़ी कोई भी टीम अपने पास कभी भी लेना चाहेगी, और इंडिया की टीम को भैया अपुइया जैसे खिलाड़ियों की ही जरूरत है जो गेम को पूरी मिडफील्ड में एक एक्चुअल मिडफील्डर की तरह खेल रहे हैं, कि जिनको अपना एक्चुअल में रोल पता है कि भैया अगर हम मिडफील्डर हैं तो हमारा रोल सबसे ज़्यादा है, हमें बॉल को आगे भी चलाना है और पीछे भी चलाना है। और इसी चीज़ के चलते अपुइया भैया मैच के अंदर प्लेयर ऑफ द मैच बने फाइनल में। तो यहाँ से आपको पता चलता है अपुइया की किस तरीके की परफॉर्मेंस है, किस तरीके का वो खिलाड़ी है जो फाइनल के अंदर अपनी एक ऐसी परफॉर्मेंस दे रहा है जहां पर टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इवन वहां पर दे रहा है जहां पर होम टीम के लिए 50 से 60 हज़ार फैंस मौजूद है। लेकिन भाई देखो अगर अपुइया के साथ हम बिपिन सिंह की बात करें ना, तो भाई देखो पूरे सीज़न का तो पता नहीं, लेकिन फाइनल में जैसे ये देखते हैं ना भाई सामने मोहन बगान की टीम है, तो इनको अचानक से अपनी भाई 3 साल वाली पहली परफॉर्मेंस याद आ जाती है कि फाइनल के अंदर भाई मैंने मोहन बगान के सामने विनर गोल मारा था और मुंबई सिटी को खिताब जितवाया था। तो आज भी इन्होंने कहा भैया दूसरा गोल मारना है, विनर गोल मारना है, तो चलिए भैया आज मैं ही आ जाता हूँ सामने निकल कर, मोहन बगान सामने हैं, तो भैया आते हैं और दूसरा गोल मार देते हैं ये। तो कहीं ना कहीं ये वैसा ही गोल था भाई जैसा हमने 3 साल पहले देखा था, वहाँ पर भी बिपिन सिंह थे, यहाँ पर भी बिपिन सिंह हैं। तो भाई बिपिन सिंह को आप ऐसा कह लो कि फाइनल के अंदर अचानक से निकल कर आते हैं और टीम के लिए परफॉर्मेंस देकर चले जाते हैं, इवन ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बिपिन सिंह की काफ़ी ज़्यादा बेटर थी पूरे मैच के अंदर। और लास्ट में भाई देखो अगर एप्रिसिएशन की बात हो ही रही है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मुंबई सिटी एफ सी के नए कोच पीटर क्राटकी को भी जाती है। बीच सीजन के बीच में आए, काफ़ी ज़्यादा खिलाड़ी इंजर्ड थे, टीम को छोड़कर भी गए, बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स को मौका दिया, यंग खिलाड़ियों को मौका दिया, उनको भैया उनकी एक्चुअल में वो किस तरीके के खिलाड़ी है वैसी उनकी परफॉर्मेंस निकलवाई, बहुत सारे इंडियन यंग स्ट्राइकर्स को मौका दिया आईएसएल के अंदर, सुपर कप के अंदर। और इसी चीज़ के चलते पीटर क्राटकी कहीं ना कहीं एक स्पेशल कोच है, और अपने पहले सीजन के अंदर ही अगर लीग शील्ड नहीं जितवा पाए तो भैया आईएसएल का खिताब मुंबई सिटी को अब उनके नाम करवाया। और इसी चीज़ के चलते पीटर क्राटकी कहीं ना कहीं एक स्पेशल कोच हैं मुंबई सिटी के लिए, और आगे जाकर ये बहुत ज़्यादा बेटर करेंगे मुंबई सिटी एफसी की टीम के साथ। तो ऑल राइट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे की वीडियोज़ आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।